वेलकम बैक ऑन माई चैनल मैथ्स विथ मैजिक। आज हम लोग एक्सरसाइज 11B ओके क्लास 8 RS अग्रवाल बुक से क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, ठीक है। और ये जो 15 नंबर है ना, ये बिल्कुल ही जैसा हम लोगों ने लास्ट वीडियो में 14 सॉल्व करा था ना, बिल्कुल उसी तरीके का, ठीक है। देखो क्या लिख रहा है, कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम, सम इज़ व्हाट प्रिंसिपल, ठीक है, फॉर 3 ईयर्स एट 10% पर एनम इज 93। ध्यान से समझना, इज 93 ये क्या है, ये डिफरेंस है किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, कुछ सर्टन सम मतलब कुछ प्रिंसिपल पे 3 साल के लिए 10% हिसाब से 93 रुपीस जो है हमारा इनका और इनका क्या है, इन दोनों का डिफरेंस है ना। तो वी हैव टू फाइंड द सम मीन्स वी हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल, ओके। अगेन सिमिलरली टाइम इज 3 ईयर्स, ओके, रेट इज इक्वल टू 10% पर एनम है ना, और क्या दिया है CI एंड SI का डिफरेंस हमारा 93 रुपीस दिया है, कोई प्रॉब्लम है। और हमने क्या फाइंड करना है, प्रिंसिपल, ओके, वी डोंट नो द प्रिंसिपल, वी हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल। सो टेल मी SI का फॉर्मूला क्या, CI फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, CI फाइंड करने का फॉर्मूला है अमाउंट, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल है ना, CI अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो CI मिलेगा ना, माइनस SI इज इक्वल टू रुपीज़ 93। नाउ टेल मी अमाउंट फाइंड करने का क्या फार्मूला, अमाउंट फाइंड करने का फार्मूला है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 to the power n माइनस दिस पी, ये हो गया अमाउंट का, ठीक है, फिर माइनस तो माइनस पी देन पी दिस माइनस SI इज इक्वल टू 93, ओके। सो लेट्स पुट द गिवन वैल्यूज इंस्टेड ऑफ दिस वन, तो वी डोंट नो द पी, प्रिंसिपल तो हमें पता नहीं, तो पी के जगह बस हम लोग पी ही रख देंगे, इनटू देखो 1 प्लस R, व्हाट इज R, 10% बाय 100 to the power n, n इज 3, माइनस पी माइनस SI मीन्स पी इंटू आर इंटू टी, तो यहाँ पे भी फॉर्मूला पुट कर देना था, तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे भूल गया, तो पी व्हाट इज़ पी, वी डोंट नो द पी, इंटू आर 10% इंटू टी फॉर 3 ईयर्स बाय 100 इज इक्वल टू 93। देखो सब बिल्कुल उसी जगह पे SI का फाइंड करने का फॉर्मूला क्या, पी इंटू आर इंटू टी, पी नहीं पता, आर 10%, टी क्या है 3 ईयर्स, ओके, बाय 100। नाउ दिस डिविजिबल, ये इस, चलो अभी डिवाइड नहीं करना तो आपकी मर्ज़ी, देखो ये हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। वैसे तो हम आपको फर्स्ट पहला जो चैप्टर शुरू किया था ना तब भी हम आपको बता चुके थे, लेकिन फिर से एक बार देखो, यहाँ पे घिचपिच नहीं करना है हमें, देखो ये जैसे है ना इससे सॉल्व करना है, 1 प्लस 10 बाय 100 to the power 3 है, ठीक है, तो देखो यहाँ कुछ नहीं तो 1, इन दोनों का एलसीएम 1 और 100 का एलसीएम 100, 100 से 1 कितनी बार में डिविजिबल है, 100 टाइम एन 100 into 1 100 प्लस ये इसे कितनी बार में डिविजिबल, 1 टाइम है 1 into 10 10 to the power 3, ओके, तो वी कैन, तो 100 प्लस 10, तो वी कैन राइट 110 बाय 100 to the power 3, दिस 0 0 डिविजिबल मीन्स क्या हो गया 11 बाय 10 to the power 3। और क्या हम इसे 11 to the 10th मीन्स 11 into 11 into 11 by 10 into 10 into 10 कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं ना, तो बताओ 11 into 11 121 121 into 11 करेंगे 121 into 11, तो विल गेट 121 121, हियर 1331, तो क्या हम इसके लिए 1331 बाय इसके लिए 1000 लिख सकते हैं ना, समझ आया, इतना को सॉल्व हम लोग कैसे कर सकते हैं इस तरीके से। तो इंस्टेड ऑफ दिस पी इंटू 1331 बाय 1000, ये पूरा पावर वावर सॉल्व करके, ठीक है ना, माइनस पी, नाउ हियर 3 into p 3p by 10 इज इक्वल टू 93। देखो आपकी मर्ज़ी, हम आपको प्रीवियस मतलब लास्ट वीडियो में जो हमने आपको बताया था ना कि
मतलब ये आपकी मर्जी, अब जैसे भी सॉल्व करो, बस सॉल्व करके हम यहाँ पे रफली अलग जगह पे कर रहे हैं, और आपकी मर्जी अब जैसे सॉल्व करना हो बस इसे सॉल्व ढंग से करना है, ठीक है, ताकि वैल्यू प्रॉपर आए इस वाले वैल्यू को, ठीक है। ओके ना, इससे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 1331 p, p को इससे मल्टीप्लाई करेंगे बाय, सॉरी यहाँ पे 1000 माइनस पी माइनस 3p बाई 10 इज इक्वल टू 93। इस 93 से कुछ काम नहीं है, जैसे वैसे हम लोग लिखते चले जाएंगे। नाउ टेल मी, यहाँ कुछ नहीं है तो इसका वैल्यू क्या होगा, नीचे डिनोमिनेटर क्या होगा, 1 होगा। 1 एंड 1000 का एलसीएम क्या होगा, 1000। ओके, देन 1000 से ये कितनी बार में डिविजिबल है, तो 1000 से 1000 वन टाइम में डिविजिबल है, एंड 1 को बस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू आएगा ना, पी माइनस, इससे ये कितनी बार में डिविजिबल है, 1000 टाइम 1000 इंटू पी, 1000 पी, ओके, माइनस 3p बाय 10 इज इक्वल टू 93। ओके, इफ वी विल सब्ट्रैक्ट दिस 1000p फ्रॉम दिस वन, विल गेट 331p बाय 1000, एंड इतना सॉल्व करने पे हमें ये मिला। फिर हम ये इस वाले वैल्यू को यहाँ लिख देंगे, 3p बाय 10 इज इक्वल टू 93। ओके, नाउ टेल मी व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ दिस 1000 एंड 10, इट विल बी 1000, है ना। एलसीएम क्या होगा, 1000 एंड 10 का एलसीएम 1000। 1000 से ये कितनी बार में डिविजिबल होगा, वन टाइम में, 1 इंटू दिस वन, विल गेट 331p माइनस 1000 से 10 कितनी बार में डिविजिबल, 100 टाइम में, 1000 से 10 को डिवाइड करेंगे तो विल गेट 100 एंड 100 इंटू 3p विल गेट 300p। ओके, 3p को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इंटू पी 300 देन पी 300p बाई 100 1000 इज इक्वल टू 93। नाउ इट विल सब्ट्रैक्ट दिस वन फ्रॉम दिस वन, विल गेट 31 बाय 1000 इज इक्वल टू 93। ओके, पी यहीं रहेगा और ये 93 के पास ये 1000 इधर आएगा, तो जो डिवाइड में वो इधर इस साइड आके मल्टीप्लाई में चला गया और ये कहाँ गया, डिवाइड में, ठीक है। ये इससे आपका 3 टाइम्स में डिविजिबल है। नाउ टेल मी, 3 इंटू 1000 विल गेट 3000। ओके, नाउ टेल मी व्हाट विल बी द प्रिंसिपल, इट विल बी 3000। हेंस द सम इज इक्वल टू, देयरफॉर द सम इज इक्वल टू रुपीज 3000। दिस इज द आंसर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इज अ सम ऑफ मनी अमाउंट रुपीज 10000 अमाउंट टू रुपीज 10000। कह रहा कुछ प्रिंसिपल था, ठीक है, जो कि अमाउंट हो गया 10,240 रुपीज इन टू ईयर्स एट इतना परसेंट पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द सम। ओके, हम लोग पहले केसेस याद कर लेते हैं। प्रिंसिप अमाउंट फाइंड करने का एक फॉर्मूला था, पी माइनस पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर टाइम, है ना। और सेकंड केस था, अगर टाइम अलग अलग, टाइम क्या होना चाहिए, सेकंड केस था रेट अलग अलग हर साल का, और थर्ड केस था टाइम फ्रैक्शन में, टाइम फ्रैक्शन में है नहीं, रेट अलग अलग है नहीं, ठीक है। और यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, प्रिंसिपल। ओके, तो टेल मी, सीआई फाइंड करने का फॉर्मूला था अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ओके, तो देखो हमें सीआई तो ढूंढना है नहीं, हमने प्रिंसिपल ढूंढना है, ठीक है। तो अमाउंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, ठीक है, इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर एन, ये फॉर्मूला है। एंड ये अमाउंट जो है आपका, देखो यहाँ पे अ सम ऑफ मनी अमाउंट रुपीज़, इतना कुछ रुपया था जो कि अमाउंट इतना हो गया, इतना हो गया फाइनल अमाउंट, इतना हो गया, ठीक है ना। मतलब कुछ रुपये पे कर्ज लिया गया था जिस पे 2 साल के बाद ये अमाउंट हुआ इतने परसेंट के हिसाब से, और कंपाउंडेड एनुअली था, ठीक है। तो अमाउंट इज़ गिवेन रुपीज़ 10,240 इज गिवेन। ओके, वी डोंट नो द प्रिंसिपल, तो लेट द प्रिंसिपल बी पी। ओके, पी रहने देते हैं, इंटू 1 प्लस आर, व्हाट इज आर, लेट्स कन्वर्ट दिस, आर इज गिवेन
6 2/3%, ओके। तो 6 × 2 6 × 3 18 + 2 20 20/3%, ओके। सो कैन वी राइट हियर 20/3 एंड इंटू 100, दिस 100 जब ऐसा होता है ना तो हम लोग इस 3 को यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो बाय पार क्या है n, तो n यहाँ क्या है 2 ईयर्स है ना, सो वी विल गिव यू 2, ओके। ये जैसे पहले वैसे ही रहने देते हैं हम लोग। 10,240 इज इक्वल टू p इंटू 1 + 20/300 to the power 2, ओके। सो टेल मी हियर नथिंग 1, तो व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ 1 and 300, इट विल बी 300, ओके। 1 and 300 जिसका कुछ नहीं होता डेनोमिनेटर, तो उसके नीचे क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो 1 और 3 का एलसीएम क्या हुआ, 3 हुआ, 3 से 300 हुआ, 300 को 1 से डिवाइड करेंगे तो विल गेट 300, 300 को डेनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं ना, तो 300 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 300, एंड 300 को इंटू करेंगे 1 से तो विल गेट 300, देन दिस प्लस 300 से 300 कितनी बार में डिविजिबल हो, 1 टाइम, 1 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, ओके। देन पार्ट 2 है तो पार्ट 2, एंड दिस ये जैसे वैसे ही लिख देंगे, ओके। नाउ टेल मी वन थिंग, 10,240 इज इक्वल टू पी इंटू 300 × 20, 300 + 20 विल गेट 320/300 to the power 2, दिस 0, 0 डिविजिबल। नाउ दिस 32 and 30 बोथ आर डिविजिबल बाई 2, दिस वन इन 60 टाइम, दिस वन इज 15, ओके। सो कैन वी राइट दिस, पी इज इक्वल टू पी इंटू 16, पार 2 है ना, तो 16 × 16/15 × 15 इज इक्वल टू दिस वन, ओके। लिख सकते हैं हम लोग, ओके। नाउ टेल मी, आपकी मर्जी, आप मल्टीप्लाई भी कर दो इन दोनों को, न्यूमरेटर को दिस वन 16 × 16 and 15 × 15, लेकिन या फिर तो छोड़ भी सकते हो, ठीक है। पी को इधर कर सकते हैं हम लोग, और ये 10,240 के पास दोनों 15 इधर गया, ठीक है ना, तो बस टर्न करके यहाँ लिख दिया गया, 15 15 गया एंड 16 16 दोनों कहाँ चलाया, डिवाइड में, ठीक है। नाउ टेल मी, अगर हम 16 से इसे डिवाइड करेंगे, चलो 2 के टेबल से पहले कर लेते हैं डिवाइड, है ना, 2 के टेबल से ये आपका 8 टाइम्स में गया और 2 के टेबल में ये इतनी बार में गया, ठीक है, 5,120 टाइम में, ओके। अगेन 2 के टेबल से आपकी मर्जी, या फिर तो 8 से भी डिवाइड करके हम लोग चेक कर सकते हैं, चलो चेक कर लेते हैं, अगर डिवाइड हो रहा है तो डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे, है ना। 8 से ये डायरेक्टली डिविजिबल था 640 टाइम्स में, ओके। नाउ 16 के टेबल में 64 कितनी बार में आता है, 4 टाइम में, एंड दिस 10। नाउ 40 × 15 × 15, पी इज इक्वल टू 40 × 15 × 15, ओके। लेट्स मल्टीप्लाई दिस, देन विल गेट द प्रिंसिपल, विल गेट द प्रिंसिपल इज इक्वल टू 9,000, एंड दिस इज व्हाट द प्रिंसिपल। करना कुछ नहीं था, बस ये हमें कुछ नहीं फाइंड करना था, सीआई तो दिया नहीं था, जो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करके फाइंड करेंगे मैं करेंगे, तो अमाउंट इज इक्वल टू दिस फार्मूला। तो बस अमाउंट दिया है तो उसकी जगह पे ये 10,120 पुट कर दिया, एंड पी नहीं पता तो पी जैसे वैसे ही लिखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो फिर हमें लास्टली क्या मिल जाएगा, प्रिंसिपल मिल जाएगा, ओके। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 17, चलिए लुक 17 इज ऑल्सो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, दिस वन इज सिमिलर टू दिस क्वेश्चन, ओके ना। व्हाट सम, देखो यहाँ क्या लिख रहे हैं, पहले ही लिख दिया व्हाट सम, कितना प्रिंसिपल विल अमाउंट रुपीज 21,296 इन 3 ईयर्स फॉर 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, बिल्कुल सेम है। तो अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 + r/100 टू द पार एन, है ना, जिसमें आपका अमाउंट दिया है 21,296, ओके। रेट दिया है आपका, व्हाट इज रेट, 10%, है ना, एंड द टाइमिंग इज ऑल्सो गिवन, इट्स 3 ईयर्स, ओके। तो लेट्स पुट द वैल्यूज इंस्टेड ऑफ दिस वन, तो व्हाट इज अमाउंट, अमाउंट इज गिवन 21,296 इज इक्वल टू पी नहीं पता, पी ही निकालना है हमने, ठीक है, इंटू 1 1 इज फिक्स्ड, आर, व्हाट इज आर, इट्स 10/100
टू द पावर 3। देखो अब ये हम लोग सॉल्व कर लेंगे ना, मतलब हार्ड तो है नहीं, तो ये हम सॉल्व करेंगे इतने को, पहले पावर नहीं इतना सॉल्व करेंगे, तो विल गेट 110 by 100। चलो 21296 इज इक्वल टू पी इंटू 110 by 100 टू द पावर 3। दिस 1010 डिविजिबल। नाउ अगेन वी विल मल्टीप्लाई दिस 11 इंटू 10, देन वी विल गेट, देखो 11 का पावर 3 है ना, तो अगर आप 11 इंटू 11 करोगे तो विल गेट 1331। एंड 10 को पावर 3 करेंगे तो उसकी जगह पे आएगा 1000। ओके, सो इस वैल्यू के जगह पे हम इतना बाय इतना लिख सकते हैं ना, क्योंकि 11 का पावर 3 क्यूब करेंगे तो हमें इतना मिलेगा इससे मल्टीप्लाई करने पे, एंड 10 इंटू 10 इंटू 10 करेंगे तो हमें 1000 मिलेगा। तो 21296 इज इक्वल टू पी इंटू 3 1331 by 1000। ओके, सो पी यहाँ कर देते हैं और ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, तो हमने क्या किया, एक्सचेंज कर दिया प्लेस को, 21296 इंटू 1000 by 1331। ओके, सो हमें क्या मिलेगा डिवाइड करने पे, लेट्स डिवाइड दिस वन बाय दिस वन। जब हम इसे इस वाले से इससे डिवाइड करेंगे, आप डिवाइड करके चेक कर लेना, टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम ऑफ कैमरा इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना, फिर हम आपको वैल्यू ये शो कर देते हैं। तो इससे जब आप इसे डिवाइड करोगे विल गेट 16, ओके, और 16 से 1000 को मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 16000। ओके, दिस इज फॉर द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17, है ना। बस कुछ नहीं, फॉर्मूले पे पुट करके वैल्यू पुट कर देना। देखो इस पूरे चैप्टर के लिए आपको फॉर्मूला याद रहना बिल्कुल ज़रूरी है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, एट व्हाट रेट परसेंट, नाउ वी हैव टू फाइंड द रेट, ठीक है, कितने रेट पे, ठीक है, पर एनम विल 4000 अमाउंट टू रुपीज़ इतना, मतलब इतना जो सम था अमाउंट टू रुपीज़ इतना, मीन्स अमाउंट इतना हो जाएगा, मीन्स प्रिंसिपल ये 4000 है और ये अमाउंट टू इतना, मीन्स अमाउंट इतना हो जाएगा अगर 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया गया है तो एनुअली। ओके, नाउ टेल मी फार्मूला क्या है हमारा अमाउंट वाला, अमाउंट इज इक्वल टू, देखो सी आई नहीं कह रहा, तो अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 plus R by 100 to the power N, okay. What is amount? Amount is given, this one amount. This one is the amount. So we'll write 4410 is equal to P. P kya hai? 4000 into 1 plus, we don't know R. आर तो पता नहीं, तो आर की जगह आर ही रहने देते, बाय 100 टू द पावर एन, एन मीन्स यहाँ टाइम दिया है ना 2 साल, तो विल पुट दिस 2 ईयर। ओके, नो टेल मी अगर हम इस वाले को यहाँ मल्टीप्लाई में इधर भेज देंगे तो डिवाइड में नहीं जाएगा, तो ये 4410 by 4000 इज इक्वल टू, अब इसे तो हमने इधर भेज दिया, अब यहाँ देखो यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1, तो 1 and 100 का एलसीएम क्या होता है 100, 100 से 1 कितनी बार में डिविजिबल होता है, ये 100 से 1 कितनी बार में डिविजिबल 100, एंड 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 100 प्लस 100 से 100 1 टाइम में डिविजिबल इनटू 1 मींस आर इनटू 1, तो इट विल बी आर टू द पावर 2। ओके, एंड दिस 1010 इज डिविजिबल। ओके, नाउ देखो अगर आप ये पावर रिमूव करते हो ना, तो इक्वलिटी को इधर लाते हो, तो वो क्या होता है रूट चढ़ जाता है, क्या चढ़ता है रूट, तो आप ऐसे कर सकते हो, ये पावर हटा तो इस साइड क्या चढ़ गया रूट बाय 400 इज इक्वल टू 100 प्लस आर बाय 100। ओके, नाउ 444 किसका स्क्वायर रूट है, ये हमारा 21 का स्क्वायर रूट, एंड 400 हमारा 20 का है, तो इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं स्क्वायर, ये रूट हटा तो ये लिख सकते हैं, ठीक है, अगर इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे 21, 400 का 20। ओके, नाउ 100 प्लस आर बाय 100, अब ये बताओ ये 100 इधर आएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, ये 100 यहाँ आ गया तो क्या होगा मल्टीप्लाई, तो टेल मी 21 into 100 by 20 इज इक्वल टू 100 प्लस आर,
ओके, ये इससे आपका 5 टाइम में डिविजिबल है, ठीक है। एंड 5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो विल गेट 105 इज इक्वल टू 100 प्लस आर, आर यही रहेगा और ये इधर जाकर माइनस होगा, 105 माइनस 100 इज इक्वल टू आर एंड विल गेट 5, आर इज इक्वल टू 5, तो हम कह सकते हैं कि आर इज इक्वल टू 5%। ओके, दिस इज व्हाट द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। ओके, थैंक यू।